पशु तस्करों की गुंडागर्दी जारी है और एक बार फिर से पशु तस्करों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पशु तस्करों की गुंडागर्दी जारी है और एक बार फिर से पशु तस्करों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया है और यह घटना पिछली रात की है। रात को लगभग 3 बजे के करीब यह घटना हुई है और यह मामला पोनीचक का है। पोनीचक में SOS होम के पास में एक डंपर लगा हुआ था। वो डंपर जो है वो इस समय चौकी के बिल्कुल सामने और हमारे पास ही है। ये डंपर है, ये SOS होम के पास लगा हुआ था पोनीचक इलाके में। और इसमें हैरान करने वाली बातें यह हैं कि इसके ऊपर ईंटें लदी हुई थी। जब ईंटें लदी हुई थी तो इसके पीछे गाड़ी का, इसमें कुछ लूप होल थे। इस गाड़ी के पीछे नंबर नहीं था। इस डंपर का पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ के जो चौकी अफसर हैं पोनीचक के, उनको शक हुआ कि पीछे नंबर क्यों नहीं है। तो वो गाड़ी का, इन्होंने गाड़ी रोकी क्योंकि ऊपर ईंटें थी, तो किसी को कोई डाउट तो था नहीं, कि लग रहा था कि ईंटें ही हैं। लेकिन वो जब नंबर आगे देखने के लिए गए तो बीच से पशु की आवाज आई। जब आवाज आई तो इनको पुलिस जो थे, पुलिस के कर्मी, उनको और डाउट हुआ, चौकी अफसर को और डाउट हुआ। लेकिन जब वो आगे आकर यहाँ पर नंबर देख रहे, गाड़ी का नंबर भी हम आपको बताते हैं। गाड़ी का नंबर है JK02C V7672। तो जब वो आगे आकर देखने लगते हैं तो तब तक ये जो चालक था इसका, ये चौकी अफसर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है और यहाँ से फरार हो जाता है। बाद में आगे जाकर एक कुल्लों के पास, वहाँ पर कुछ पशु तस्करों के सहयोगी थे, वो आते हैं। एक विशेष समुदाय के लोग हैं जिनके ऊपर पहले भी उंगलियाँ उठते हैं, शायद उसी समुदाय के लोग हैं। और वो वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस टीम के ऊपर हमला कर देते हैं। हमले में ये लोग लाठियों का इस्तेमाल करते हैं, तेज़धार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा पत्थरों का भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर पत्थरबाजी भी है, वो इनके ऊपर करता है। और घटना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि पुलिस को अपने बचाव के लिए फायर खोलने पड़ते हैं, हवाई फायर किए जाते हैं। 4 से 5 राउंड फायर किए हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो पशु रेस्क्यू किए गए हैं वो कहाँ रखे हैं, उनकी कैसे सेवा की जा रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पूरी जानकारी जो है इस खबर की हम आपको देने जा रहे हैं। पोनीचक पुलिस चौकी अंतर्गत SOS होम के पास पुलिस की टीम पर सुबह तड़के मवेशी तस्करों ने हमला कर दिया। हमले में तेज़धार हथियारों, लाठियों का इस्तेमाल किया गया और पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद चौकी अफसर ने अपने आप को तथा टीम को बचाने के लिए करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की अतिरिक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर 10 मवेशी बरामद किए, एक डंपर को भी जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि इस संदर्भ में मवेशी तस्करों के अलावा पुलिस की टीम पर ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह तड़के पोनीचक पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान SOS होम के पास एक डंपर को खड़ा देखा, उस पर ईंटें लोड की हुई थी। पुलिस की टीम को शक हुआ क्योंकि उसके पीछे नंबर नहीं लिखा था। जब चौकी अफसर पोनीचक नीतीश खजूरिया आगे को नंबर को देखने के लिए गए तो डंपर से मवेशी की आवाज़ आई, जिससे कि शक हो गया कि जब गाड़ी को चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो तस्करों ने गाड़ी को भगा लिया। इस दौरान चौकी अफसर को भी कुचलने का प्रयास किया गया, वो तो बच गए। उसके बाद टीम की तरफ से वाहन का पीछा किया गया। कुछ आगे जाकर कुल्लों के पास गाड़ी फंस गई और उसका टायर फट गया। इस दौरान तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। बताया गया कि आधा दर्जन के करीब लोग मौके पर थे।
पुलिस पर पथराव किया गया, लाठियों का इस्तेमाल किया गया। तस्करों ने जब तेजधार हथियारों से पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया तो चौकी अफसर की तरफ से हवाई फायर किया गया, जिसके बाद तस्कर मौके से भाग गए। अब आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर पशुओं को रेस्क्यू करने के बाद रखा गया है, गायों को रेस्क्यू करने के बाद रखा गया है। और ये एक प्लॉट है, अगर थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा तो ये एक प्लॉट है, यहाँ पर घास भी है, जो गंदगी भी है यहाँ पर, लेकिन ये एक प्लॉट है, यहाँ पर पशुओं को रखा गया। और ये जो पुलिस पोस्ट है, जो चौकी है, सामने चौकी है बिल्कुल उसके सामने ये रखे गए हैं। और ये यहाँ पर देखें गाय जो है वो यहीं पर घास खा रहे हैं जो यहाँ पर है, और पुलिस कर्मी जो हैं वो इनकी सेवा कर रहे हैं। कुछ गाय जो हैं वो यहाँ पर बीमार भी हैं, एक काफ़ी खूबसूरत गाय है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और वो बीमार है, हमसे बात भी नहीं कर रही। और ऐसा भी लगता है इन गायों को देखकर कि इनको इंसानों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि जिस तरह से इनको डंपर में डालकर इनको लेकर जाया जा रहा था, उसके बाद जब इनको पुलिस पकड़ने लगी तो उस समय जो गुत्थम गुत्था हुई, जिस स्पीड से गाड़ी को चलाया गया, उसके बाद इनको काफ़ी हमें लगता है चोटें आई हैं, जिसकी वजह से इनका विश्वास भी कम हो गया। और ये देखें तस्वीर दिखाओ, ये एक पुलिसकर्मी भाई हैं, ये पानी पिला रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं और ये पानी यहाँ पर इन पशुओं को पिला रहे हैं। अंदर कुछ पशु हैं, 7-8 पशु अंदर हैं, गाय अंदर हैं और 3 यहाँ पर बाहर हैं इस प्लॉट में। और ये सारा जिम्मा अब सारा कार्य जो है वो पुलिस के अधिकारियों पर ही आ गया, इन पुलिस कर्मियों पर ही आ गया। यही सेवा कर रहे हैं, यही पानी पिला रहे हैं, यही खाने की व्यवस्था भी अब इनकी कर रहे हैं, लेकिन ये हमें लगता है कि इसका कोई ना कोई और सोल्यूशन निकलना चाहिए, ताकि जो पशु तस्करी के दौरान रेस्क्यू की गई गाय हैं, पशु हैं, उनके जीवन यापन का बंदोबस्त हो। गौशालाएं हैं लेकिन उस तरह से नहीं दिखता जिस तरह का काम होना चाहिए था। बीमार हो गई हो, ये देखो ये क्या कर रही है, ये वाली गाय जो है वो बीमार हो गई है, पता नहीं बीमार हो गई हो। ये गाय है, ये देखें कितनी प्यारी गाय है, लेकिन ये भी पता नहीं बीमार हो गई है, इस पर टैग भी लगा हुआ है, नंबर भी लगा हुआ है। और ये पशु तस्कर देखें, ना जाने कहां कहां से ये गायों को इकट्ठा करते हैं रात के अंधेरे में, और उसके बाद इनको जिस तरह से गाड़ियों में लेकर जाते हैं वो हैरान करने वाली बात है। ये देखें कितनी प्यारी गाय है, लेकिन ये देखें ये नाराज़ हो गई है, हमें लगता है ये इसका इंसानों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है, इसको भी चोटें आई हैं शायद। ये देख, ये एक स्थान है, यहाँ पर अंदर गायों को रखा गया है, अंदर काफ़ी झाड़ियाँ हैं, लेकिन ये क्योंकि अंदर छाया है तो इसलिए ये गर्मी से बचने के लिए सारी गाय जो हैं वो यहाँ पर हैं। कम से कम 6-7 जो हैं, 6-7 गाय दिख रही हैं, लेकिन झाड़ियों में छुपी हुई हैं, यहाँ पर ये रह रही हैं, यहीं पर खुद ही खाने की व्यवस्था कर रही हैं और बाकी पुलिसकर्मी हेल्प कर ही रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर गोविंद चौहान हैं, जो हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, पशु तस्कर हो या नशा तस्कर, पुलिस की टीम पर ही हमला कर देते हैं, इसमें ये इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं इस मामले में पुलिस का बहुत अहम रोल जो है उसको बताना चाहता हूँ आपको, कि वाकई पुलिस ने इस मामले में बेहतर काम करके दिखाया है, जो सराहनीय। जी, मैं पहले पूरा घटना के बारे में आपको बताता हूँ। चौकी अफसर टोनी चक जी रात को सुबह तड़के 3 बजे इलाके में गश्त कर रहा होता है। एसओएस होम के पास वो एक डंपर देखता है, डंपर लगा हुआ था, उसमें ईंटे लोड थी। जी, जब वो ईंटों को लोड देखता है तो पीछे देखता है, नंबर ही नहीं होता डंपर का, उसको शक होता है। जब वो आगे नंबर देखने के लिए जाता है तो उसको ना, जब वो नंबर देख रहा होता है, उसको मवेशियों की आवाज आती है अंदर। अच्छा,
देखिए कितना तगड़ा तस्करों ने अपना सिस्टम बनाया हुआ था। मतलब पीछे नंबर नहीं है गाड़ी का, आगे नंबर है। हाँ, लेकिन ईंटें लदी हुई थी डंपर में। अच्छा, तो दूर से दिखने में लगता है ईंटें लदी हुई हैं। जब वो आगे नंबर देखता है चौकी अफसर नीतीश, वो देखता है कि अपना आवाज आती है मवेशियों की जी, तो शक हो जाता है। जब वो गाड़ी की सर्च करने लगता है, इतनी देर जो तस्कर होते हैं जो गाड़ी चला रहा था उसको कुचलने का प्रयास करता है चौकी अफसर को। समय चौकी अफसर का पीएसओ एक और एक ड्राइवर साथ थी, वहां पर वो कुचलने का प्रयास करता है और वहां से भाग जाता है। अच्छा, मतलब डंपर लेके भाग जाता है। हाँ, चौकी अफसर अपने दो बंदों के साथ बहादुरी का परचम देते हुए वो उसका पीछा करता आगे जाके, से थोड़ा आगे जाके कुल्लू के बाद उसका डंपर का टायर फट जाता है। बेसिकली वो रोड ही ऐसा था, पत्थर पत्थर तो टायर फट गया। जब वो डंपर के पास पहुंचे, इतनी देर पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं 5-6 लोग, डंपर का मालिक भी होगा, तस्कर भी है, महिलाएं भी हैं। ये 5-6 लोग हमला करते हैं जी, चौकी अफसर पर लाठियां बरसाते हैं, पत्थर मारते, 13 हथियार लेके आ जाते हैं मार्केट। लेकिन नीतीश अपनी बहादुरी दिखाता है, देखता है जब उसकी और उसकी टीम की जान पूरी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि देखो 13 हथियार से जब कोई हमला करने आ गया जी, इस दौरान नीतीश को लगती भी है, उसकी टांग को लगी है, वो इंजर्ड है। उसके बावजूद उसने इंजर्ड कंडीशन में इन तस्करों को हवाई फायरिंग करके भगाया जी। तो उसके बाद अधिकारियों को सूचित किया गया, अधिकारी मौके पे आए, SHO आए, DSP आए, फिर पूरा कश्मीर चली। कुछ स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की, जिसके बाद पुलिस ने 10 मवेशी एक डंपर को पकड़ लिया, डंपर को सीज कर लिया, मवेशी बरामद कर दी और छापेमारी चल रही है ताकि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। नहीं, इस डंपर का, क्योंकि हम डंपर के बिल्कुल सामने ही खड़े हैं, तो डंपर की पीछे की बॉडी अगर देखने को मिलती है हमें, तो ये काफी ऊंची है पीछे से, तो इसमें आराम से अगर ऊपर इन्होंने ईंटे रखी थी तो नीचे पशुओं को बिठा कर वहां पर ये कर सकते हैं ऐसा। मजे से इन्होंने किया ही ऐसा था ना, सोचो आप एक डंपर में 10 मवेशी लोड करके ऊपर ईंटे बांध के, देखो तस्करों का कितना हौसला बुलंद है, या हम ये कह सकते हैं कितना शातिर दिमाग क्या है, नीचे ईंटे और ऊपर डंपर। इससे पहले तस्वीरें आई थी, गैस टैंकर का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। हाँ, सांबा में देखो वो ऐसा मामला हुआ था, सपवाल चौकी में गैस डंपर को उन्होंने अपना मवेशी तस्करी के लिए अपनाया हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और तस्वीर हमें देखने को मिली, तस्वीर ये है कि यहाँ पर पुलिस कर्मी जो हैं वो खुद ही मवेशियों की सेवा कर रहे हैं, मवेशी कुछ यहाँ पर बीमार भी हो गए, उनको शायद चोटें भी आई हैं, तो ये खुद ही पानी पिला रहे हैं, बाकी चीजें, तो इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझा नहीं, फिर बोलिएगा एक बार प्लीज। दरअसल जो हमें यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली, जो मवेशी जो रेस्क्यू किए गए हैं पशु, उनकी सेवा यहाँ पर पुलिस कर्मी खुद ही कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, एक प्लॉट में उनको रखा गया है, तो ये कैसे, क्योंकि रेस्क्यू तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद ये बर्डन भी पुलिस के ऊपर ही आता है। देखिए क्या है कि अगर हम कानूनी रूप से बात करें जी, तो अगर हम मवेशी तस्करी के मामले को पकड़ते हैं तो उसमें लगती है अंडर सेक्शन 188 के तहत आप मवेशियों को पकड़ सकते हो जी। अगर बबरता से मवेशी लोड किए गए हों तो एक धारा और ऐड होती है, जिसमें ये कह सकते हैं हम क्रूरता से मवेशियों को किसी वाहन में या ले जाना जी। अब देखिए जैसे 10 मवेशी मवेशी तो आपके अक्यूज्ड हो गए जो मवेशी तस्कर है जी। मवेशियों को पानी पिलाना ये पुलिस का अपनी तरफ से फर्ज ज्यादा करती है, पुलिस अपनी जेब से पैसे खर्च करके इनको चारा खिलवाती है, पानी पिलाती है, क्योंकि इसको सेवा है, नीस बार सेवा कर रहे हैं। तो हर मामले में ऐसा ही होता है कि इन जगहों पे गौशालाओं में छोड़ देते हैं, लेकिन गौशालाओं में भी इनको खाना तो देना पड़ता है ना। मेरी भी जी ये लोगों से अपील है कि लोगों को मदद करनी चाहिए पुलिस की इन मामलों में, ताकि जो यहाँ पे इनको मवेशियों को रखा जाता है उनको थोड़ा सा खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया जाता है। कठुआ में गौशाला है, वहाँ पे भी लोगों को मदद करनी चाहिए, जम्मू में भी है, क्योंकि देखिए जितने मामले पकड़ेंगे इतने ज्यादा मवेशी हो गए, उन्होंने खाना तो खाना ही है ना जी। जी तो लिहाजा लोगों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, पुलिस तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। इस मामले में देखिए कितना प्रयास किया, चौकी अफसर इंजर्ड भी हुआ फिर भी उसने 10 मवेशी को रेस्क्यू कराए। अब हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए पुलिस की, इनके खाने पीने का थोड़ी सी व्यवस्था अपनी तरफ से सहयोग करना चाहिए जी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पुलिस ने जो काम किया है वो सराहनीय है।
सुराख नहीं है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे सुनने में ये कल खबर आई और मैंने आज खबर ये छापी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आजकल पुलिस की तरफ से तस्करों, नशा तस्कर हो या मवेशी तस्कर हो, देखो जम्मू कश्मीर में पिछले थोड़े दिनों में आप देखिए नशा तस्करों पर भी फायरिंग की जा जी, मवेशी तस्करों पर भी फायरिंग की, ये अच्छा है ना। देखिए मामला ये है कि आज जम्मू पुलिस बहादुर है, दलेर है जी। और अगर पुलिस सारे जिलों की पुलिस इस प्रकार से कड़ा कदम उठाएगी तो ये नशा तस्कर और मवेशी तस्कर कहीं हमें दिखने को नहीं मिलेगी जी। एक सराहनीय कार्य है ना, एक चौकी अफसर जम्मू जिले का इंजर्ड हो जाता है, उसके टांग को लग जाती है, उसको कुचलने का प्रयास होता है, उसके बावजूद वो अपना छोड़ता नहीं और भागता नहीं। मवेशी तस्कर गाड़ी को पकड़ लेता है, 10 मवेशी रात को ही रेस्क्यू करवा लेता है, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमें ऐसे अफसरों की बहादुरी की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसे अफसर, और ऐसे अफसर तभी दिलेरी दिखाते हैं। आप देखिए हमेशा अफसर तभी दिलेरी दिखाता है जब उसके ऊपर के अधिकारी जिला चीफ हो या जम्मू संभाग के ADGP साहब हो, SSP जम्मू हो, जब फ्री हैंड अपने अफसरों को दी तभी ऐसा काम होगा ना, नहीं तो अफसर डरते हैं काम करते हैं। जी जी, चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। चलिए तो ये देखें, ये एक बहादुरी का कार्य जो है वो पुलिस के कर्मियों ने किया है, पौनी चक के चौकी अफसर नीतीश खजूरिया ने किया है, और 10 मवेशियों को रेस्क्यू किया है और इस डंपर को भी पकड़ा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये डंपर जो है ऊपर ईंटे और नीचे मवेशी डालकर ये लोग लेके जा रहे हैं। नए नए तरीके जो है वो पशु तस्कर जो है वो आजकल अपना रहे हैं पशुओं की तस्करी करने के लिए, और इसमें हमें लगता है कि सरकारों को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ पर देखी गई हैं पशुओं की जो हालत है उनका, वो ऐसा लगता है बीमार हो गए हैं और उनको यहाँ पर पुलिस कर्मी ही हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशनें इसके लिए कार्य कर रही हैं वो भी सामने आए ताकि इन पशुओं को यहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ गौशालाओं में रखा जाए और इनकी सेवा जो है वो अच्छे से की जाए। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।